साथ हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दुल्हे दुल्हे में विराजमान खूनी गणेश है हिंदू मुस्लिम संघर्ष और एकता का प्रतीक। खूनी मस्जिद के पास की जाती है खूनी गणपति की महापूजा। मस्जिद की ओर से गणेश जी पर फूलों की जाती है वर्षा। क्या आप खूनी गणपति का नाम सुनकर हैरान हैं? लेकिन ये धुले में सम्मान के गणपति हैं। धुले में खूनी गणपति की महापूजा खूनी मस्जिद के पास की जाती है, जिसका महत्व ऐतिहासिक है। साल 1895 में खांबेते गुरुजी ने तिलक की प्रेरणा से धुले में सार्वजनिक गणेश उत्सव शुरू किया। शाम की नमाज के दौरान गणेश जी का विसर्जन जुलूस पालकी में बैठकर हजार साल पुरानी शाही जामा मस्जिद से गुजर रहा था। उस समय इस पालकी का विरोध हुआ और जब यह विरोध हाथापाई में बदल गया तो अंग्रेजों ने गोली चला दी। इसमें कई लोग मारे गए, कई घायल हुए और अहिरानी में उस मस्जिद के पास खून और गणपति के पास भी खून पड़ा था। इस घटना के कारण मस्जिद को खूनी मस्जिद और खूनी गणपति के नाम से जाना जाने लगा। खूनी गणपति करीब 5 दिनों तक उस मस्जिद के सामने रहे थे। बाद में अंग्रेजों ने दोनों समूहों में सुलह कराई और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने के लिए ठोस कदम उठाए। अंग्रेजों द्वारा दोनों समूहों को 228 रुपए दिए गए और इससे ऐतिहासिक प्रथा की शुरुआत हुई। प्रत्येक अनंत चतुर्दशी को भगवान गणेश की विसर्जन यात्रा पालकी से ही निकलती है। इस समय शाम के ठीक 5 बजे पारंपरिक ताल मृदंगा की ध्वनि पर 3 पावली 12 पावली नृत्य किया जाता है, यानी जब प्रार्थना के लिए आवाहन किया जाता है तो खूनी गणेश की पालकी दरवाजे के ठीक सामने आती है। मस्जिद की ओर से गणेश जी पर फूलों की वर्षा की जाती है। मस्जिद से एक धर्माधिकारी आरती की थाली और गुलाब के फूलों की माला लेकर आता है और मस्जिद की ओर से भगवान गणेश की आरती करता है। एक बार जब वहाँ आरती हो जाती है तो भगवान गणेश विसर्जन के लिए चले जाते हैं। धुले में होने वाले इस गणेश उत्सव की देश भर में चर्चा की जाती है। शंखनाद न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, धन्यवाद। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। फिर मिलेंगे देश भर में घटित अहम खबरों के साथ।